हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायिका लता मंगेशकर को सोमवार तड़के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। उन्हें इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में रखा गया है। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल के सोर्सेज ने बताया कि उनकी तबीयत काफी खराब है। उन्हें सोमवार को सुबह करीब 2 बजे हॉस्पिटल लाया गया था। सोर्सेज की माने तो इस वक्त वो आईसीयू में है। बता दें, लता मंगेशकर 90 साल की हो चुकी है। उन्होंने 28 सितम्बर को अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने करीब 1000 गानों को अपनी आवाज दी है और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने कुछ वक्त पहले शेयर किया था फिल्म पानीपत से भांजी पद्मिनी कोल्हापुरी का लुक। जहां अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, इसकी चर्चा तभी से हो रही है। फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो वहीं पर हाल ही में भारत की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर ने पद्मिनी और फिल्म पानीपत की टीम को शुभकामनाएं दी है। असल में पद्मिनी लंबे ब्रेक के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है और इसलिए उनकी मौसी ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर फिल्म पानीपत से पद्मिनी कोल्हापुरी का लुक शेयर किया था और बताया था कि वो गोपिका बाई का किरदार निभा रही हैं। इसके साथ ही लता ने पद्मिनी को बहुत अच्छी कलाकार भी बताया था। लता मंगेशकर ने पोस्ट किया था और लिखा था, नमस्कार, मेरी भांजी पद्मिनी कोल्हापुरी एक बहुत अच्छी कलाकार है और अब वो फिल्म पानीपत में गोपिका बाई का किरदार निभा रही है। मैं पद्मिनी को आशीर्वाद देती हूँ और आशुतोष और उनकी टीम को शुभकामनाएं देती हूँ। आप देख सकते हैं लता मंगेशकर का ये पोस्ट। और अब लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे में फैंस ईश्वर से यही दुआ कर रही हैं कि जल्द से जल्द उनकी फेवरेट सिंगर स्वस्थ हों। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।